नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू दस कदम। मैं हूँ सलमान खान और ये है वो जो हर डांसर बनना चाहता है, द एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल मिस्टर प्रभु देवा। लेकिन आप लोग प्रभु देवा जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन फिलहाल प्रभु देवा जी बन गए हैं एक हिंदी फिल्म डायरेक्टर। हमने हाल ही में एक फिल्म साथ में की है जिसका नाम है वांटेड, 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 जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। प्रभु, मैं और आप ये प्रोमो देखते हैं, आइए मैं दिखाता हूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनता। इस फिल्म में मेरी को स्टार है, उन्हें बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम द प्यारी प्यारी आयशा टाकिया। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ द लवली, द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द श्री, द देवी, द जी, जी, जी। कितने सालों के बाद आपने अभी कैमरा फेस किया? मेबी 10 साल के बाद। 10 सालों के बाद? आई थिंक सो। तो श्री जी, अब आप तैयार हैं खेलने के लिए हमारे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम? जी जरूर, मगर 10 साल के बाद वो भी। लेकिन एक शर्त पर, अपने वांटेड कंपेनियन के साथ खेलना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। वैसे हैं कौन ये कंपेनियन आपके? हम जानते हैं कौन है। बोनी कपूर। तो आइए, प्लीज लेट मी कॉल मिस्टर बोनी कपूर। बोनी सर ने हमारे साथ अभी एक पिक्चर प्रोड्यूस की है जिसका नाम है वांटेड। ये कुछ बताइए ना वांटेड के बारे में। पिक्चर शुरू हुई वांटेड, प्रभु डायरेक्टर, सलमान को शौक एक्शन करने का। पहले दिन जब हम एक्शन की शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, विजन जो हमारे एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने पहला शॉट सेटअप किया और पूरा बताया कि ऐसे कुछ ऐसे आएगा, कुछ ये होगा, कुछ ये होगा। वो पूरा शॉट की रिहर्सल देखी, उसी वक्त सलमान भागता भागता मेरे पास आया कि हम कुछ और नहीं बना सकते, ज़रूरी एक्शन पिक्चर ही बनाए। बट देन हर जूते से ले कर हाथ से ले कर नाखून तक के शॉट मैंने किए हैं और मुझसे करवाए गए। सही है, सही है, सही। एक शॉट भी डुप्लीकेट से नहीं करवाया, एक शॉट में भी सीजी इफेक्ट्स नहीं, कुछ विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट, विदाउट एनी डुप्लीकेट, द एंटायर एक्शन। अच्छा, मैं पिक्चर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा लगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, बट आई एम डैम गुड इन द फिल्म। अगर आप मानते नहीं तो आप पूछ लो, हाउ आर यू डांस यार? ही डांस सुपरब्ली।
वो क्या स्टेप का जरा बताओ आप मुझे. इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ. मेरे से तो होगा नहीं. इधर आओ. वो क्या वो दैट वन You'll do it, sir? No, you all. अभी तो मुझे कैसे होता है इनसे कैसे होता है. ये 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 पर कैसा पैर. हाँ ये हाँ ये हाँ. ये बार बार ऐसा होता कि अब गिरा ऐसा होता था मुझसे. सच ए नाइस फीलिंग कि आप सब यहाँ पे आए हमारे साथ पिक्चर प्रमोट करने के लिए. हम सब बेशरम हम फिल्मी हम प्रमोट करेंगे पिक्चर. हमारा शो है भाई, हम क्यों ना करें. और अच्छी पिक्चर है जी. ये है एक्लोरमेंट नॉकआउट राउंड जिसके रूल्स मैं आपको समझाता हूँ. गौर से सुनना, दोबारा मत पूछना. आप लोगों को, इन लोगों को और इन लोगों को, आप लोगों को नॉकआउट करना है. हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल और वो जवाब जो हैं वो हमारे इस LG LCD TV में छुपे हुए हैं. तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम. तो आप लोगों का पहला प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को टॉल डार्क और साइलेंट जिस्म के पुरुष, जिस्म नहीं किस्म, किस्म के पुरुष पसंद हैं. जैसे ये हैं, जैसे ये हैं. आपको किस टाइप के मर्द पसंद है. अभी तो है नहीं, मतलब कि अभी तो शादी हो गई. हाँ कि आपके पति देव टॉल हैं. टॉल है लेकिन फेयर है. फेयर डार्क नहीं है. टॉल एंड फेयर एंड हैंडसम. फेयर एंड हैंडसम है. बोनी सर, टॉल डार्क एंड साइलेंट. साइलेंट हैं आप या टॉल डार्क और हैंडसम हूं. साइलेंट डार्क का मतलब, डार्क का मतलब कंप्लेक्शन से सांवला. व्हाट डू वुमेन इन जनरली प्रेफर. डेफिनेटली टॉल. तो अपना चांस ही नहीं. हैंडसम. हां हैंडसम. ठीक है ठीक है. थैंक यू. आई थिंक वुमेन लाइक साइलेंट टाइप मेन. साइलेंट टाइप तक सिर्फ वुमेन ही बातें करते जाएं और आदमी कुछ ना घर पे बात जवाब दे सके ना बाहर किसी से बात कर सके. मतलब ये तो खाली अपने सामने क्या बात होती वही देखते होंगे. इनके जो साइलेंट की क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ जब इनका प्रेजेंस. क्या होता है ना सर कि आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए दिन भर. अरे ये किला वो ला. अरे ये इसका क्या बिल है, क्या क्यों है. अरे यार इस छुट्टी का. ये आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है कि वोकैबुलरी के इतने ही वर्ड्स होते हैं और इतना ही बोल सकता है आदमी. अब बीबी खाना बना रही है मस्त घर पे. सुनिए इसमें थोड़ा सा और नमक डालो. ठीक है नौकर ये वो. हाय बेटा हाय स्वीटहार्ट हाउ आर यू दिस दैट. तो अब उनका जो एक है ना लिमिट जो बोलने का दिन का से करीब से 7,000 वर्ड्स होंगे वो तो इंटैक्ट है. हम लोग तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं. जब हम लोग घर पे आते हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं. बिना शादी किए तुझे तजुर्बा कैसा सर. ये मुझे बहुत तजुर्बा है इसलिए मेरी शादी नहीं हुई सर. जी हाँ. तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को टॉल डार्क और साइलेंट किस्म के पुरुष पसंद हैं. 10 सेकंड है आपके पास. 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. आयशा टाकिया एंड प्रभु देवा 61%. श्रीजी एंड बोनी सर ऑन 70%. आए देखे जीतते कौन है, आयशा प्रभु या बोनी सर एंड श्रीजी.